दोस्तों, स्वागत है आपका क्राफ्टर मॉडल के एक और वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक मल्टी बैटरी चार्जर। मल्टी बैटरी चार्जर कहें या फिर ये 48 वोल्ट की जो बैटरीज होती हैं या जो इलेक्ट्रिक बाइक होती हैं उनको चार्ज करने के लिए मैं बनाने वाला हूँ। और इसकी खास बात ये है कि ये BMS जो होता है, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, उस BMS का रिप्लेसमेंट होगा। क्योंकि जो मार्केट में जो BMS मिलता है VRLA बैटरी के लिए, वो काफ़ी वहीं महंगा होता है। और BMS जो काम करता है, वही काम हम इस चार्जर से लेने वाले हैं। और वो कैसे लेंगे वो मैं आपको इस वीडियो के अंत में बताऊंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हमें इस तरीके का एक कैबिनेट चाहिए होगा, और इसके अलावा जो जो हमें चीज़ें चाहिए होंगी वो है इसके अंदर। अब आइए इसको खोलते हैं पहले और देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। जो जो सामान हमें इसमें ज़रूरत पड़ेगी, उसमें जो सबसे पहला है वो है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर जो हमने लिया है वो 012 की चार सेपरेट बॉबिन ली हैं। और प्लस नीचे की तरफ हमें मिलेगा 220 वोल्ट 230 वोल्ट का इनपुट। इसके अलावा जो चीज़ें हमें चाहिए होंगी वो आप देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी रखी हुई हैं, तो मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। इसके बाद में हमें चाहिए होंगी ये स्विच चाहिए होगा कि हम, और ये हमें चाहिए होगा एक पुश स्विच जो कि हम जो वोल्ट मीटर है उसमें लगाने वाले हैं। ये है एक वोल्ट मीटर, कितना वोल्टेज इनपुट हो रहा है वो हमें दिख सके। इसके अलावा कुछ LEDs इंडिकेटर की ज़रूरत होगी, जैसे ये LED हम यूज़ करने वाले हैं। ये वाली जो LED हम यूज़ करने वाले हैं वो AC ऑन के लिए होगी, और ये आउटपुट के लिए होगी, और अलग अलग फंक्शन होंगे इसमें। इसके अलावा हमें ज़रूरत पड़ेगी एक फ्यूज़ की जो कि 5 एम्पियर के आसपास का होगा। और चूंकि चार बैटरी एक साथ चार्ज होंगी, इसलिए इस पूरे कैबिनेट को, ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए कूलिंग फैन की ज़रूरत होगी। तो आइए शुरुआत करते हैं, एक एक करके इन सारे सामान को कस देते हैं और फिर इसकी वायरिंग करेंगे। इसमें जो मेन चीज़ें हमें लगानी थी वो हमने लगा दी हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वोल्ट मीटर है, ये ऑन ऑफ स्विच है, और ये एक इंडिकेटर हमने येलो कलर का लगाया है इसमें। उसके अलावा हमने पीछे की तरफ यहाँ पर फ्यूज़ लगा दिया है, जो पावर कॉर्ड है वो हमने लगा दी है, अभी वायरिंग करना बाकी है हालांकि। और यहाँ पर ये एग्जॉस्ट फैन लगा दिया है। अब हमें करना ये है कि सिर्फ इनकी एक सिंपल सी वायरिंग करनी है, और जो हमारा मेन काम है वो होगा इसके कवर के ऊपर। इस कवर के ऊपर हम लगाने वाले हैं बहुत सारे जो पिन होते हैं वो, और ताकि उन पिन की सहायता से हम ये जो 12 वोल्ट की जो चार बॉबिन्स यहाँ पर दी हुई हैं, इन बॉबिन्स का यूज़ कर सकें और इनसे आउटपुट ले सकें। तो आइए इसकी वायरिंग को कर लेते हैं और फिर उसके बाद में इसमें सारी चीज़ करेंगे। वैसे अभी तक हमने इसके सारे कनेक्शन कर लिए हैं और LED वगैरह भी चालू कर ली है। अब उसके एक बार थोरली चला के देखते हैं कि इसमें जो AC करंट है वो बराबर आ रहा है नहीं आ रहा है। और उसके बाद में हम ये चार अलग अलग सेपरेट रेक्टिफायर, इसमें ब्रिज रेक्टिफायर इसमें बनाएंगे। तो उसके लिए हमको 5408 के डायोड चाहिए होंगे जो कि 3 एम्पियर में आते हैं। और उसके बाद में चार हमें उसी साइज़ के कैपेसिटर चाहिए होंगे। तो आइए सबसे पहले इसको चेक कर लेते हैं। उसके लिए मल्टीमीटर को हमें AC पे सेट करना होगा, क्योंकि अभी इसमें रेक्टिफायर नहीं लगा है। तो जो मिनिमम वैल्यू है उस पर हम सेट करते हैं 200 पे, और फिर एक एक करके इसमें यहाँ पर लगाएंगे। अभी चालू नहीं है तो पहले हम इसको चालू कर लेते हैं। अभी हमने इसको सीरीज में लगाया है, तो सीरीज में हम जैसे इसको लगाते हैं और इसको चालू करते हैं तो ये LED चलती है, और यहाँ पर जो वोल्ट मीटर लगा हुआ उसमें इनपुट करंट भी इसमें दिखाई देता है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 12.4 दिखा रहा है पहली कॉइल में। और उसके बाद में हम दूसरी चेक करेंगे, दूसरी वाली में भी 12.4 बिल्कुल सेम, और फिर तीसरी कॉइल देखेंगे हम, ये तीसरी कॉइल 12.4, और चौथी कॉइल है उसमें भी 12.4।
यहाँ पर पॉइंट में भी वैल्यू सेम होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक तरीके से हम ये मैनुअल बीएमएस बनाने वाले हैं, जो कि बैटरी अगर सीरीज़ में कोई 4 या 5 बैटरी लगी हैं, बेसिकली 48 वोल्ट्स के लिए है, तो सीरीज़ में जो बैटरी लगी हैं ये उनको बैलेंस तरीके से रिचार्ज करेगा। तो इसीलिए सभी कॉइल्स में बराबर करंट आना ज़रूरी है। अब आइए इसका जो रेक्टिफायर है वो बनाते हैं 4 अलग अलग। तो गाइस ये इस तरीके से कुछ इसमें 4 रेक्टिफायर हमको लगाना है। आप देख सकते हैं कि 5408 के हमने 4 डायोड लिए हैं, ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट बनाया और एक 2200 UF का माइक्रोफेरेट का हमने कैपेसिटर लिया है। अब इसको जोड़ने का तरीका ये है कि वैसे तो इसमें आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि जो जो वायर पास पास में उनको जोड़ देना है। वही पहले इसको जोड़ देता हूँ, फिर मैं बताता हूँ कि प्लस माइनस किस तरीके से निकलता है। वैसे थोड़ी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर जहाँ पर आप एक सिल्वर पट्टी देख रहे हैं, ये जो सिल्वर पट्टी है ये हमेशा प्लस के जो पल्स होती हैं उसी को ही अपने से गुजर के जाने देता है। मतलब ये एक तरीके का वन वे वॉल्व होता है जिससे कि आप एक बार में या तो प्लस चार्ज को फ्लो कर सकते हैं या फिर माइनस को। ये सिल्वर पट्टी के अलावा जो दूसरी तरफ जो आप देख रहे हैं जिसमें कोई पट्टी नहीं है, वहाँ से आप माइनस पॉइंट ले सकते हैं। तो ये अभी बेसिक इसके बारे में आपको बताया। वही इसके तारों को जोड़ देते हैं। तो ये सारे जो होल्स हैं वो हमने कर लिए हैं, वही एक एक करके चारों रेक्टिफायर जो है उनको लगा देते हैं, मतलब जो डायोड है उनको लगा देते हैं। रेक्टिफायर सर्किट है पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 इंडिविजुअल रेक्टिफायर हमने बनाए हैं ताकि चारों बैटरी को सेपरेट बैलेंस्ड पावर से हम चार्ज कर सकें। और यहाँ सामने की तरफ आप देखेंगे और तो यहाँ पर सिर्फ एक इंडिकेटर है, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, इंडिकेटर और एक वोल्ट मीटर के इनपुट वोल्ट कितना हो रहा है। उसके पीछे की तरफ हमने एक फैन लगाया हुआ और एक फ्यूज़ है, सबके कनेक्शन हो चुके हैं। जैसे हम इसको ऑन करते हैं तो जो फैन है वो ऑन हो जाता है। अब आइए चेक करते हैं कि इनमें बराबर वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। हमने अपने मल्टीमीटर को 20 वोल्ट पे सेट किया हुआ है और यहाँ पर हमने रेजिस्टेंस भी लगा दिए हैं, 3 में रेजिस्टेंस लगाए हैं और 4th में फ़ैन और जो पावर इंडिकेटर वो कनेक्टेड है, जिससे कि हमें ये पता चलता रहे कि जो पावर है वो ट्रांसफार्मर में आ रही है। तो पहले को हम देखें तो 17.8, ठीक है, 1 वोल्ट से ज़्यादा किसी में डिफरेंस होना नहीं चाहिए। अगर इससे कम है तो वो रजिस्टेबल है, 17.89 की रेंज में, ये अच्छी बात है। और तीसरा जो है 17.12, ये भी 17 की रेंज में है। उसका लास्ट वाला है वो भी 17.1 के आसपास में है। तो इस तरीके से जो सारा जो चारों कनेक्शन है उसमें बराबर वोल्टेज आ रहा है। अब हमें करना ये है कि इसका जो काम है, इस वाले केस का काम हो चुका है। चेंजेस करने के बाद में ये जो हमारा BMS या फिर कहें मल्टी बैटरी जो चार्जर है वो तैयार है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने इस किट को लगा दिया है,
और सब को स्लीव से पैक भी कर दिया था कि कोई स्पार्किंग या शॉर्ट सर्किट ना हो। और यहीं पर हमने आउटपुट दिए हैं चारों के, प्लस माइनस चार बैटरियों के एक साथ हम चार्ज कर सकते हैं। चालू ऑन करने पर हमें डिस्प्ले दिखाई देता है कितना ये पावर इंडिकेटर है और ये वोल्टेज के लिए है। और पीछे की तरफ हम अगर देखें तो पीछे सिर्फ हमें एक एग्जॉस्ट फैन, फ्यूज़ और एसी पॉट का आउटपुट मिलेगा। अंदर की तरफ कुछ सिस्टम इस तरीके से है। यहाँ पर जो कनेक्शन है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल है। यहाँ पर चार 12 वोल्ट के आउटपुट बॉबिन दी हुई थी, उनको हमने सेपरेटली चार रेक्टिफायर से कनेक्ट किया है और उनका आउटपुट यहाँ पे दे दिया है। अब जो इसका मेन काम है, जो जिससे कि हम मॉनिटर करेंगे कि चारों बैटरियाँ बराबर चार्ज हो रही हैं नहीं हो रही हैं, वो है हमारे अगली वीडियो में। तो फिलहाल अभी हम इसको कस देते हैं और कसने के बाद में इसको कंक्लूड इस तरीके से हमारा जो मल्टी बैटरी चार्जर था वो कंप्लीट हो गया है। अब देख सकते हैं कि ये जो सेपरेट वायर दिख रहे हैं, ये जो ब्लैक वाले हैं, ये माइनस का है। फिर उसके बाद में जो येलो है, आप दो येलो, दो ग्रीन और दो ब्लू वायर देख रहे होंगे, तो ये बेसिकली ये सेपरेट जो टेपिंग इसमें लगी हुई है उसको उसके वायर है ये। और अगर इसको 48 वोल्ट लेना है तो आपको एक वायर यहाँ और एक वायर यहाँ, और फिर इस तरीके से जो सेम कलर के वायर है उनको क्रॉस में जंपर लगाना होगा। तो इस तरीके से इस दो एंड पे 48 वोल्ट मिलेगा। और अगर सेपरेट बैटरी चार्ज करना है तो इस तरीके से आप दो दो वायर, मतलब दो दो की जो टेपिंग है, प्लस माइनस उस तरीके से बैटरी को सेपरेट चार्जिंग दे सकते हैं, जिससे कि जो BMS का जो काम है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि सबको सेपरेट 12 वोल्ट मिलेगा तो वो प्रॉपर चार्जिंग उसको मिलेगी। तो हमारे अगले वीडियो में हम यही करने वाले हैं कि इसका जो एक BMS विदाउट BMS हम बैटरी को किस तरीके से मॉनिटर करेंगे, उस कैबिनेट के ऊपर हम काम करेंगे। तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज। तो इसके बारे में तो आपको जानकारी होगी, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने इसके बारे में पूरी डिटेल बताई थी कि ये एक मल्टी बैटरी चार्जर है जिसमें आप चार बैटरी एक साथ चार्ज कर सकते हैं, और अगर इसको सीरीज में लगा दें तो ये 48 वोल्ट इन दो पॉइंट पे देगा। अब इसके ऊपर वाले डिस्प्ले की बात करते हैं, तो ये है बेसिकली डिस्प्ले मॉनिटर में। यहाँ पर आप देख सकते हैं चार डिस्प्ले लगे हुए हैं, और यहाँ ऊपर की तरफ स्विच लगे हुए हैं और सामने स्विच लगे हैं, और ये LED लगी हुई है। फिलहाल ये स्विच और LED फंक्शन में नहीं है क्योंकि इनका यूज़ अभी जस्टिफाई नहीं है, लेकिन हाँ ये पीछे की तरफ चार स्विच लगे हुए हैं। ये ऐसे ऊपर खींचने पे ऑन होता है और नीचे खींचने पे ऑफ हो जाता है। ये कॉमन स्विच है इसलिए इसको थोड़ा सा अलग रखा गया है। तो जैसे अभी ये ऑन है, और इसका जो आउटपुट है वो आउटपुट के लिए हमारे पास में ये सॉकेट है जिसमें 6 वायर है, लेकिन 6 की जगह 5 में ही हमें आउटपुट देना है। वो किस तरीके से, सपोज ये एक चार बैटरियां हैं मान के चलिए फॉर एग्जांपल, और चारों में प्लस माइनस इस तरीके से जो है सर्किट निकले होते हैं। तो हमें करना क्या होता है कि ये इसका एक माइनस हो गया और ये प्लस हो गया। अगर हम इसको 48 वोल्ट लेते हैं तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो चार बैटरी हमने मानी है, इसमें एक प्लस, एक माइनस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस और माइनस प्लस, इस तरीके से टर्मिनल दिए होते हैं हर बैटरी में सेपरेट। और अगर हमें 48 वोल्ट चाहिए आपको, तो इसके इस बैटरी का प्लस को माइनस से जोड़ना होगा, फिर उसी बैटरी का प्लस को अगली बैटरी के माइनस से, फिर उस बैटरी के प्लस को अगली बैटरी के माइनस से, इस तरीके से सीरीज में एक सर्किट हमें बनाना पड़ेगा। और जब हम सीरीज में इस तरीके से कोई सर्किट बनाते हैं तो जो वोल्ट है हमें वो बढ़ा हुआ मिलता है, लेकिन एम्पियर उतने ही रहे। तो इस तरीके से ये काम करता है। अब BMS की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है, तो BMS का काम ये है, क्योंकि हमें पता है कि ये 12 वोल्ट है, ये 12 वोल्ट है, ये 12 वोल्ट है, ये 12 वोल्ट है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि जब हम इनको चार्ज करते हैं सीरीज में, तो किन्हीं किसी भी एक बैटरी का रेजिस्टेंस, मोस्टली जो प्लस की तरफ लगी होती है उसका रेजिस्टेंस अचानक बढ़ जाता है या कम हो जाता है, तो उसको प्रॉपर चार्जिंग नहीं मिल पाती है। मतलब कुल मिला के हो सकता है कि इस पे 12 वोल्ट मिले, इस पे 12 मिले, इस पे 12 मिले, लेकिन इस पे 11 ही मिले, या हो सकता है इस पे 13 मिले। तो इस तरीके से जो सीरीज़ है उसमें जो रेजिस्टेंस है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता, जिसके कारण से बैटरी अनइवन तरीके से चार्ज होती है, और आपकी जो इलेक्ट्रिक बाइक है उसका माइलेज या जो पर चार्जिंग जो उसकी रनिंग है वो कम हो जाती है। तो उसका सोल्यूशन ये है कि यहाँ से आप माइनस ले लें, इस बैटरी को 12 वोल्ट दें, फिर इसको भी 12 दें, इसको भी 12 दें, इसको भी 12 दें। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, दो तरीके।
या तो ट्रांसफार्मर में इस तरह की कॉइल बनाया जाए कि वो सेपरेट 12 वोल्ट की चार अलग अलग टेपिंग दे, और या फिर ऐसा हो कि हमारे पास में ऐसा कोई डिजिटल सर्किट हो जो कि 48 वोल्ट को चार अलग अलग 12 वोल्ट में डिवाइड कर पाए। तो जो 48 वोल्ट को डिवाइड करता है उसको हम BMS बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड होता है, लेकिन जो हमने बनाया है वो बहुत ही आसान है। और उसमें आप जैसे कि इसमें देख सकते हैं कि 12-12 वोल्ट की चार अलग अलग टेपिंग दी हुई हैं, और इन टेपिंग को हम इस मॉनिटर स्विच में ले गए हैं। जैसे हम इसको ऑन करते हैं तो यहाँ पर ये पहला डिस्प्ले ऑन हो गया, क्योंकि अभी ये कनेक्टेड नहीं है इसलिए आपको 100% ही बताएगा। फिर उसके बाद में दूसरा डिस्प्ले, तीसरा डिस्प्ले और ये चौथा डिस्प्ले, चारों में आप देख सकते हैं 100% आपको बता रहा होगा। और यहाँ पर हम परसेंट की बजाय वोल्ट भी देख सकते हैं, 17 वोल्ट बता रहा है सब में लगभग, और इसमें 18.3 बता रहा है। तो इसको आप इंटरचेंज कर सकते हैं क्योंकि इस पर कोई लोड नहीं है अभी, हो सकता है ये फ्री हो गया हो इसलिए इसमें लोड कम। और ये जो सॉकेट है जब हम अपनी इलेक्ट्रिक बाइक में लगाते हैं तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर जैसा कि सॉकेट दिया हुआ है, ये उसका मेल प्लग है। और हमें करना कुछ नहीं, हमें बस ये करना होता है कि हम ये जो सॉकेट है इसको सिंपल इसमें फिक्स कर देते हैं। इस तरीके अब ये सब फिक्स हो गया तो यहाँ पर जो सप्लाई मिलेगी वो बिल्कुल रेगुलेटेड हर बैटरी को 12 वोल्ट ही मिलेगी। अब यहाँ पर इसको पहले ऑफ कर देते हैं। यहाँ पर आप देखिए कि हमने इसको ऑफ कर दिया है, सर्किट ऑफ है। यहाँ पावर में दिखाएगा क्योंकि इसमें कनेक्टिविटी बनी हुई है। अब यहाँ पर हम सभी बैटरियों की एक्चुअल पोजीशन देख सकते हैं, 12.5, 12.7, 12.8, 12.7। तो इस तरीके से जो बैटरी में अगर 0.5 से ज़्यादा का वोल्ट डिफरेंस आता है तो बैटरी की जो कैपेसिटी है उसके ऊपर फर्क पड़ता है। तो भी आप देख सकते हैं किसी में भी 0.3 से ज़्यादा का जो गैप है वो नहीं है, तो ये बैटरी जो है वेल मेंटेन्ड है। और जब हम इसको चार्ज करेंगे और अगर हमें लगता है कि कोई बैटरी कम या ज़्यादा है तो हम इन स्विचों के माध्यम से उस बैटरी को कुछ देर ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं। हम जैसे यहाँ पर चार्ज करते हैं, जैसे यहाँ पर ऑन करते हैं, यहाँ पर जो सबके वोल्टेज हैं वो धीमे धीमे बढ़ने लगते हैं, 12.7, 12.9, 13, देखिए कुछ इस तरीके से जैसे कि इसमें लिया। तो इस तरीके से जो हमारा BMS है वो काम करता है। और उम्मीद है आप भी वैसे इसमें एक और जो ऑप्शन होता है हमारे पास में, जो गाड़ी के अंदर ही एक सिंपल सा चार्जर होता है, उससे भी गाड़ी चार्ज हो जाती है, अच्छे से चार्ज हो जाती है। पर उसमें प्रॉब्लम यही होती है जो मैंने आपको यहाँ पर बताई, वोल्टेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इवन नहीं हो पाता है। बल्क में दो कॉर्नर पे वोल्टेज दे दिया जाता है और बैटरी के रेजिस्टेंस के ऊपर फिर वो बैटरी के रेजिस्टेंस के बेसिस पे वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अगर किसी बैटरी का रेजिस्टेंस कम है तो उसको ज़्यादा वोल्ट मिलेगा, अगर किसी बैटरी का रेजिस्टेंस कम है तो उसको कम वोल्ट मिलेगा, और अगर किसी का ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा वोल्टेज मिलेगा। तो इस कंडीशन में जो बैटरी है प्रॉपर चार्ज नहीं हो पाती। लेकिन इस तरीके से रियल टाइम मॉनिटरिंग ये जो है लगाने के बाद में इसको बहुत अच्छे से चार्ज कर सकते हैं। तो उम्मीद है छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।